हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, जय उत्तराखंड और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी भाई पीलो चाय। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। और ये देखो मेरी मम्मी जी, ये मेरे लिए क्या लाए अभी? चाय। पहाड़ी भाई पीलो चाय। तो चलो, पहाड़ों में चाय का मजा ही कुछ और है, और खासकर इतनी भयंकर सर्दी है, मैं क्या बताऊँ आपको। और मम्मी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठंड लगी मम्मी को, ठंड लगी है। तो आपने मम्मी का पहला गाना सुना होगा, बहुत अच्छा गाया उन्होंने और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया था, तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। अब आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं, बाहर का माहौल दिखाते हैं कि रात के समय पहाड़ों में क्या नज़ारा होता है, आपको दिखाते हैं चाय की चुस्की के साथ। चलते हैं बाहर पहले, चलो। और अब आप देख रहे होंगे जो निनारे की आवाज़ है, कैसे निनारे आवाज़ कर रहे हैं, ये देखिए। गांव में सब लोग अपने घर में खाना बना रहे हैं और माहौल देखिए आप रात का, पूरे गांव का माहौल देखो आप, पहाड़ों में कैसा माहौल होता है। देहरादून में कैसा माहौल था, वहाँ हर जगह लाइट ही लाइट थी, हर जगह मकान ही मकान थे, और यहाँ का आप नज़ारा देखिए। और आपको दिखाता हूँ यहाँ, ये हमारी गौशाला है और यहाँ पर इतना भयंकर अंधेरा है और निनारों की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। और ये मेरी मम्मी ने घास ला रखा है क्योंकि, और अब पहले आपको अंदर दिखाता हूँ मैं, हमारे क्या क्या पशु है। पहाड़ की जो औरतें होती हैं उनका सल्यूट है उनके लिए सही में। ये देखो आप, ये हमारी गौशाला है, ये हमारी भैंस है और ये हमारी बाटी। ओ भैंस, इधर देख भैंस, भैंस का तो अभी खाने पे मन है। और ये मैंने यहाँ लाइट फिट कर रही है, देखो यहाँ, और लाइट मैंने फिट कर रही है ताकि मम्मी को यहाँ कोई दिक्कत ना हो। और आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, कल मैं देहरादून निकल जाऊँगा। तो अब आपको मैं छत के ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ। ये मेरी मम्मी ने यहाँ घास लाया था और ये है दतड़ी, देखते हम इसको, हम दतड़ी बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, हम दातड़ू बोलते हैं इसको गढ़वाली में। और आपको ऊपर दिखाता हूँ मैं छत से गांव का माहौल। मैं बहुत रिक्स ले रहा हूँ वीडियो बनाने में क्योंकि पहाड़ों में इतनी रात को कोई छत के ऊपर नहीं आता है। देखो अभी बहुतों ने अभी अपने मकान से लड़ियाँ ये नहीं हटाई है और काफ़ी सुंदर लग रहा है नज़ारा। निनारों की आप आवाज़ सुन रहे होंगे क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, जब रात हो जाती है उसके बाद निनारे आवाज़ करते हैं और इन आवाज़ से कई बार डर भी लगता है। ये देखिए आप, नज़ारा खूबसूरत भी है तो डरावना भी है, और पूरा गांव झिलमिला रहा है। और यही होता है कि रात जब हो जाती है थोड़ा पहाड़ों में थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो जाता है। देखो वहाँ एक उजाला दिख रहा है ना छोटा सा, कोई जा रहा है वहाँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को चलते हैं, जैसे शराबी लोग होते हैं वो पहाड़ में, क्या होता है जैसे गाँव में एक दो ऐसे शराबी होते हैं, वो बहुत रात को आते हैं, एक एक दो दो बजे रात को आते हैं, तो उनकी कॉन्फिडेंस को भी मेरा सलाम है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है हमारे किचन में। ये देखिए आप, अंधेरा का माहौल, ये रात का माहौल है हमारे गांव का, बिल्कुल निनारों की आवाज़। और ये मेरी मम्मी ने कट्टा लाया, इसमें क्या है आटा, चक्की से लाया था, ये घट से जो घराट होता है ना वहाँ से पिसा के लाया, 2 किलोमीटर पैदल चल गए। ये देखो यार, शेरू बैठ रहा है यहाँ। ओ शेरू, शेरू क्या कर रहा, शेरू काफी खतरनाक होता है। अभी ना, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो अब अभी आग नहीं जली, खाना बनाने की तैयारी भी हुई नहीं, पर
क्यों ना हटे रहे हो यार ला? बहुत क्या हो? तो आप लोग देख ही रहे हैं नज़ारा पहाड़ों का, पहाड़ों में ऐसी होता है। और आपका पारिवारिक चाय पी रहा है, मेरे पीछे जो आपको दिख रहे हैं वो घीड़े हैं, प्लास्टिक वाले घीड़े, हमारे गढ़वाली में घीड़े ही बोलते हैं, घीड़ू घीड़ू। मज़ा आ गया चाय पी के, पहाड़ी भाई पी ली गर्म चाय। तो दोस्तों आप अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें, पहाड़ी भाई पी लो चाय। और आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हैं तो सच बताऊं तो उसका आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। और एक मैं आपको स्टोरी सुना दूं, एक दिन क्या हुआ था कि मैं यहाँ सो रखा था, ठीक है, पिछले 2 साल पहले की स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे सो रखा था और मोबाइल चला रहा था, समय हो रहा था लगभग 12:30 से 1 बजे की बात। और जब मैं सो रखा था तो लगभग 1:15 हो रहा था टाइम, सब लोग सो गए थे, तो मैं मोबाइल पर लगा हुआ था। और क्या हुआ कि जब मैं मोबाइल चला रहा था तो लगभग 1:15 बजे की बात है, हमारा एक रास्ता है किनारे, हमारा जहाँ पे मकान है उसके साइड पे मेन रास्ता है जहाँ से गांव वाले मार्केट जाते हैं। तो जब मैं सो रखा था तो 1:15 बजे के लगभग वहाँ से, जैसे महाभारत में नहीं होता जैसे रथ चलते हैं, बिल्कुल वैसी आवाज़ रास्ते पे नीचे नीचे एकदम। मैंने बोला ये इतने सारे घोड़े कहाँ से आ रहे हैं यहाँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ हुआ ये। और अक्सर जब मैंने बड़ों बड़ों को पूछा तो रियल में मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। तो मैं, वो तो भगवान ने ऐसा किया कि मैं उठा नहीं रात को खड़ा, बिल्कुल इतनी स्पीड से आ रहे थे जैसे सेम वही जैसे महाभारत में रथ चलते हैं ना, वैसी खच्चर की चलने की आवाज़ आ रही थी, वैसे उनके जो कड़कड़ कड़कड़ बजते हैं वैसी आ रही थी। और वहाँ से गेट से होके सीधे हमारे यहाँ चौक, ये दिख रहा चौक आपको, उधर से सीधे इधर के लिए आए और इधर से सीधे हमारे यहाँ इधर के लिए गए। इधर साइड हमारा जंगल है, हमारा जो मकान है इधर साइड जंगल है और इधर थोड़ा खतरा है, इसलिए पापा जी ने यहाँ लैट्रिन बाथरूम अंदर ही अंदर रास्ता दे रखा है। तो जब, और मैं आपको पहले बता देता हूँ कहाँ से हमारा, देखो हमारा सिस्टम क्या है यहाँ का, ये है ना हमारा, ये हमारा गेट है और ये रास्ता, ये जो है आपको दिख रहा है ये मेन रास्ता है गांव का, ये रास्ता आता है और ये यहाँ से सीधे नीचे जाता है, ये है गांव का मेन रास्ता। और इस रास्ते के बगल में ये हमारा गेट, ऊपर से रास्ता आता है, ये देखो ये रास्ता है, यहाँ से गेट है और यहाँ से सीधे आगे जाते हैं उधर के लिए गौशाला के लिए, और उधर से उधर जंगल है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं 1:15 बजे सो रखा था, सो भी नहीं रखा था, मैं मोबाइल में लगा हुआ था क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, तो मैं गेम खेल रहा था। तो जैसे ही मैं गेम खेल रहा था तो एकदम घोड़े खच्चर की आवाज़ आई वहाँ से रास्ते से, इतनी स्पीड में आए जैसे, ऐसे नहीं होते जैसे युद्ध हो रहा हो, मैं घबरा गया था, सच बताऊँ तो घबरा गया था। और घबराहट होना भी जायज़ है क्योंकि लगभग 1 बज रही हो, सब लोग सो रखे हो और एकदम आवाज़ आई, मैं बाहर कमरे में सो रखा था, मम्मी लोग अंदर कमरे में सो रखे थे, मैं बाहर वाले कमरे में सो रखा था और अंदर इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी और मैं घबरा गया। एक बार मैंने सोचा कि मैं रोशनदान से देखता हूँ, रोशनदान ये देखो आप, ये हमारा रोशनदान, ये यहाँ रोशनदान है और ये हमारा जो चौक है हमारा। तो एक बार मैंने सोचा कि मैं रोशनदान से देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है, पर पता नहीं भगवान ने क्या किया, मैं नहीं उठा, मैं घबरा गया और मैंने रजाई निकाल ली। इन्हीं महीनों की बात है, 2-3 साल पहले इसी महीने की बात है, और मैं घबरा गया और मैं सो गया। तो जब मैं सुबह उठा
मैंने अपनी दादी जी से पहले बात शेयर की कि दादी जी ऐसा ऐसा हुआ, मैं सो रखा था और मैं मोबाइल में छेड़ रहा था रात को, और अचानक से घोड़ी दो घोड़ों की आवाज़ आई और बहुत स्पीड में यहाँ से हमारे जो चौक है उस चौक से गुजरे वो। तो दादी जी ने सबसे पहले मेरे लिए यही बोला कि क्या तूने देखा तो नहीं उसको। तो मैंने यही बोला कि नहीं दादी जी मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मेरे को डर लगा, मैंने देखा नहीं है। मैंने रजाई निकाली, मैं सोच रहा था एक बार कि देखूं, पर मैंने देखा नहीं। तो दादी ने बोला कि बहुत बढ़िया किया तूने देखा नहीं। सच बताऊं, दादी ने ये बोला कि शुक्र कर तूने देखा नहीं। और दादी ने पहले मेरे पे एक टीका लगाया। तो वो जो क्या हुआ था वल, वो जो चला रात को उसको बोलते रथ, इंद्र का रथ चलाओ। यदि उस रथ को कोई देख लेता है तो वो बल उसको बोलते कि छम जाता है। बल छम जाता मतलब उस पर भूत या वो ऐसा हो जाता है कि वो आदमी जिंदा रहता ही नहीं है, वो मर जाता है उसके बाद। और बहुतों के साथ ऐसा हुआ, बहुत रियल, बिल्कुल रियल बात है ये। और मैं ये तो नहीं बोल सकता कि क्या होता है, पर ये मैं 100% बोल रहा हूँ कि रियल में होता तो ज़रूर होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि 2-3 साल पहले की बात है, मैं सो रखा था, मेरे को तब से बिलीव होना स्टार्ट हुआ कि रियल में होता है भाई, जो भी ऐसी नहीं बोला जाता है कि कुछ ना कुछ होता है और सच में होता है। मैं सो रखा था, देखो मैं यहीं पर सो रखा था, ये मैं यहाँ सो रखा था और आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो आप यहाँ, ये देखो ये मैं सो रखा हूँ अभी, ठीक है। और ये मैं रजाई जैसे निकाल रही थी, और ये है हमारा वो खिड़की, वहाँ से एक खिड़की हमारी ये है जो रास्ता जहाँ से दिखता है, और ये दूसरी खिड़की है जहाँ से बिल्कुल आवाज़ होके उधर जाती है सीधे। तो दादी ने बोला कि शुक्र कर नाती तूने देखा नहीं। तो जब मैंने इसके बारे में पता किया तो उन्होंने मेरे को स्टोरी सुनाई कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग बल उस रथ को देखते हैं तो वो ज़िंदगी छोड़ के चले जाते हैं, मतलब उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और ये 100% है, और हमारे खासकर पहाड़ों में इसका बहुत ज़्यादा रीति रिवाज है, मतलब बहुत ज़्यादा इतिहास है इसका। जैसे आपका बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ ऐसा हुआ। तो मैंने तो ये सोचा कि सच में मैंने देखा नहीं। तो पहाड़ों में बहुत सारी बार ऐसा होता था कि अगर मैं रियल में उसको देख लेता, एक बार मैं सोच रहा था रात को कि मैं रोशनदान से देख लेता हूँ क्योंकि मैं अंदर ही हूँ, पर ऊपर से मैंने ठीक किया कि मैं डर के मारे मैंने रजाई निकाली, मैं सो गया। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कहीं होता है, या शहरों में भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये पहाड़ों में होता है, शहरों में भी हो जाता है, क्योंकि कई बार ग्रहचाल कमज़ोर होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप देखें ना, भगवान का नाम लें और अंदर हो जाएं और सो जाएं। तो ये मैं स्टोरी बता रहा हूँ, बाकी अब आपको आगे और स्टोरी बताऊँगा मेरे साथ क्या क्या हुआ, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है, रियल में देखा है, जो मैंने इन आँखों से, वो आपके साथ शेयर करूँगा अभी कि मैंने क्या क्या देखा है। पर ये ज़रूर बोलूँगा कि भूत भी होता है, सब चीज़ होती है दुनिया में, और सच में होती है। बहुत सारे लोग मानते नहीं है, मैं भी नहीं मानता था, पर जब घटना घटी, रियल में हुआ, तो आपको मानना पड़ेगा, जब आपके साथ घटती है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको मैं जो स्टोरी सुनाई वो बिल्कुल सत्य है। आगे एक और स्टोरी है मेरे पास जो मेरे साथ घटना हुई, एक दो घटना मेरे साथ और हुई, मैं चाह रहा हूँ कि आपको सुनाऊं, पर उतना टाइम नहीं अभी, अगली वीडियो में आपको स्टोरी सुनाऊंगा। पर हाल फिलहाल मैं यही बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ था। तो कल सुबह मुझे यहाँ से नीचे निकलना है, आज मेरा यहाँ लास्ट दिन है। तो मिलता हूँ कल, और कल आपको अगली वीडियो में टिहरी झील मिलेगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक शहर हुआ करता था किसी ज़माने, राजाओं का गढ़ था वो, पर आज वहाँ देखोगे तो पानी ही पानी है। तो अच्छे अच्छे व्यू आपको मिलेंगे, पर आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरे यूट्यूब चैनल, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छा सा अच्छा ब्लॉग बनाऊं। बस आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उसी वजह से मैं सब चीज़ कर रहा हूं। तो आप अपना प्यार पहाड़ी भाई को ऐसी देते रहें, और मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।